अपने खाते से पेंशन निकालकर आ रही बुजुर्ग महिला से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी तब तक पेंशन की रकम से 400 रुपए की शराब पी चुका था। चंपावत क्षेत्र की रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला मोती देवी नैनीताल स्थित बैंक से अपनी वृद्ध अवस्था पेंशन निकालने आई थी। बुजुर्ग महिला 2 महीने की 3000 रुपए पेंशन निकालकर जैसे ही बैंक से बाहर निकली, तभी एक व्यक्ति ने उसके 3000 रुपए लूटकर बुजुर्ग महिला को धक्का देकर फरार हो गया। SHO योगेश उपाध्याय ने मामले की जानकारी मिलने पर बताया कि बुजुर्ग महिला की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर महिला को साथ लेकर आरोपी की तलाश शुरू की। CCTV फुटेज की मदद से 2 घंटे के भीतर चंपावत से लूट के आरोपी सुरेश प्रसाद उर्फ शेरा को 2600 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। तब तक आरोपी 400 रुपए की शराब पी चुका था। SHO ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज एक अम्मा जो अपने वृद्धावस्था पेंशन जिसमें 3000 रुपए थे को जो ही लेकर के नैनीताल बैंक से पैसे बाहर निकले तो एक चपटे मारे उसको धक्का दे करके पैसे छीन लिए। तो इस इंफॉर्मेशन पर हमारे द्वारा तत्काल FIR दर्ज कर यहाँ CCTV की जो ये हेल्प से उस अभियुक्त को हमने अरेस्ट किया तथा उससे पैसे रिकवर किए और उसे माननीय न्यायालय पेश किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।